औरज़बिल्मिनशैतरम बसम्लरीम नमद नसल अल रसूल कर करीम अम्माबाद मदद नाजरीन आज के दर्स कानवान अल्ला रसूल की ताद और इंसानी हक़ूक़ की अदायगी ही में सबसे बड़ी भलाई और कामयाबी है दर हकीक़त इंसान के लिए इससे बढ़ कर भलाई और क्या हो सकती है कि उससे अल्लाह की रहमत और उसका फ़ल्ल करम नसीब हो कुरान करीम के मुताबिक अल्लाह और उसके रसूल की इताअत ही इसका मजहब बनती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है अति अल्लाह और रसूल लाअकुम तोमून अल्लाह और रसूल की फर्माबर्दारी बजा लाओ ताकि तुम पर रहम किया जाए एक दूसरी आयत में बहुत ही वाज लफ्ज़ों में ये बयान किया गया है कि अल्लाह की इताअत उसके रसूल की पैरवी और जो लोग कुरान की हिदायत के मुताबिक हुक्मरानी का हक़ अदा करने वाले हैं उनकी बातों को कबूल करना इंसान के लिए बायस खैर और अंजाम के अतबार से बहुत ही बेहतर है अल्लाह ताला का इरशाद है या अय्युहल लजीना आमनू व अति रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फ़िन तनाज़ा फी शैइन इन फ़रदू उ रसूल इन कुंतुम तुमिनून तुम्नू वल यौमिल आखिर हर शख़्स की ये दिली ख्वाहिश होती है कि उसे कामयाबी नसीब हो और बिलाशुबा उस जिंदगी की कामयाबी सबसे बड़ी कामयाबी है जो हमेशा बाकी रहने वाली है यानी उखरबी ज़िंदगी कुरान की नज़र में इस कामयाबी का इिसार परवरदिगार आलम की बंदगी बजा लाने और उसके बंदों के साथ नेक बर्ताव करने या उनके हकूक़ अदा करने पर है इन आमाल कुरान ने सरापा खैर कहा है इसलिए कि ये इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी की ज़मानत देते हैं ये आयात इसी हकीकत की तर्जमान है व अबूरबुम व फालमतफलहन और अपने रब की बंदगी बजा लाओ और खैर खे, खैर के काम करो ताकि तुम लोग कामयाब हो जाओ यहाँ ये वजाहत अहमियत से खाली न होगी कि सूरतमिन के शुरू आयात नंबर एक पाँच में ममिन को जिन आमाल पर कामयाबी की खुशखबरी सुनाई गई है वह या तो अल्लाह के हकूक़ या उसके बंदों के हकूक़ की अदायगी से ताल्लुक़ रखते हैं और वो ये हैं नमाज़ में खुश व खजू अख्तियार करना पाबंदी से ज़क़़़़़त अदा करना बेहुदा बातों और बेहयाई के कामों से इज्तना करना अमानत का हक़ अदा करना और अहदोपैमान का पास लिहाज रखना मस्जद नाजरीन इससे मालूम हुआ कि सबसे बड़ी निकी अल्लाह और उसके बंदों के हकूक़ की, की मुखलसाना अदायगी है और इसी पर इंसान की असल कामयाबी मुनसर है क़ुर करीम में मतदद मकाम पर अल्लाह के हकूक़ को पूरा करने के साथ उसके बंदों के हकूक़ की अदायगी की सख्त ताकीद की गई है और इनसे पहलू तही पर सख्त वई सुनाई गई है बाज़ आयात में गुरबा व मसाकिन यतामा व बेसहारा लोगों पर माल खर्च करने को खैर से ताबीर किया गया है यानी उनकी मदद के तौर पर जो माल भी ख़र्च किया जाए वह सरापा खैर है लेकिन उसी के साथ ये भी वाजह किया गया कि अगर ये नेकी अंजाम देते वक्त कोई ऐसा रवैया अख्तियार किया जाए मस्तक एानत की दिल आज़ारी हो या उनकी इज़्ज़त गैरत को ठेस पहुँचे यानी देने वाले के किसी अमल से उनका कोई हक मुतासिर हो या पामाल हो उनका ये अनफाक़ या यह सदक़ा व खैरत खैर नहीं रह जाता बल्कि इस सूरत हाल में उनसे भली बात कहना या खुश असलीबी से उनकी बात का जवाब देना ज़्यादा बेहतर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कौलु मरूफ व मिन मखफ़रतरुमी अज़ा भली बात कहना और माफ़ कर देना उस खैरात से बेहतर है जिसके पीछे दिल आज़ारी हो दूसरों के साथ ताल्लुकात और मामलों में अदल इंसाफ के असूलों व तकाज़ों को पूरा करना और लेन देन में दयानतदारी से काम लेना इंसानी हकूक़ की अदायगी का बहुत ही अहम पहलू है इसे भी कुरान ने बायस खैर करार दिया है वाक्य यह है कि इसमें बड़ी भलाई है ख़ुद इंसाफ करने वालों के लिए और माशरे के दूसरे अफराद के लिए भी इसलिए कि इंसाफ व दीनतदारी के मुजाहरे से खैर की बातों को फ़रोग मिलता है और पूरे माशरे पर उसके बड़े खुशगवार नतज मरतब होते हैं क़ुरान की इस आयत से वाज होता है कि इंसाफ के साथ मामला करना मौजब खैर और नतज के अतबार से बहुत ही बेहतर है पुरानी मजीद में इरशाद है वफ़ुल्कैल इज़ा किल तुम वज़न मुस्तकीम ज़ालिक खैरुम व अहसन व तवीला और पैमाने से दो तो पूरा भर कर दो और तोलो तो ठीक तराजू से तोलो यही बेहतर है और अंजाम के लिहाज से भी बहुत अच्छा है अगरचे इन आयात में ख़ास तौर से ठीक ठीक और पूरा पूरा नाप्तौल करने और चीज़ों के लेन देन में कमी न करने की हिदायत दी गई है लेकिन जाहिर है कि वसी मफूम में इनका मंशा यह है कि लेन देन का कोई मामला हो इसमें दयानतदारी और इंसाफ़ से काम लिया जाए और खयानत हक तल्फी और ख़ुद बुर से परहेज़ किया जाए ये बात बिल्कुल बदी ही है कि इन हदायात परमल करने से मामला साफ रहेंगे और ताल्लक़ खुशगवार होंगे मजीद बरँ इंसानी हकूक़ को तहफु नसीब होगा तो अख्तलाफार से दूरी और अमन व अमान की फ़जा बरकरार रहेगी इसके बरखिलाफ़ अगर लैन देन के मामलों में देानतदारी के असूलों को तोड़ा जाएगा तो इससे किसी न किसी की हक तलफी लाजिम आएगी जो अल्लाह इज़्ज़त की नाराज़गी का भी बास होगी और ये कितने बड़े खुसरान नुकसान का सबब बनेगी हर शख्स समझ सकता है इसके अलावा ज़्यादती व नाानसाफ़ी और हक तल्फी की वजह से आपस में इख्तलाफ़ और नज़ा और ताल्लक़ात की जो खराबी पैदा होगी उसका वबाल अपनी जगह है अल्लाह ताला का इर्शाद है वला वाला तदू उन हब्बुलमतदीन और किसी के साथ ज़्यादती न करो बेशक अल्लाह ताला ज़्यादती करने वाले को पसंद नहीं फ़रमाता जिस शख़्स को अल्लाह ताला पसंद फरमाए उससे बढ़कर खुश खुशकस्मत खुश खुश कौन हो सकता है और जिसको अल्लाह रब्बुल ना पसंद फरमाए उससे बड़ा बदकिस्मत और नाम कौन हो सकता है सच्ची बात यही है कि इंसान की भलाई बेहतरी व हकीीक कामयाबी उसी में है कि वह दीन की बातों को गौर से सुने उन पर तवज्जो दे और अल्लाह की अत फरमाबरदारी को अपना शेवा बना ले और जो कुछ अल्लाह इज़्ज़त की जानिब से अमवाल वसायल उसे नसीब हुए हैं उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करने के साथ दूसरों को भी उनसे फ़ायदा पहुँचाए बाल्फाज दीगर रोज़मर्रा ज़िंदगी में अल्लाह इज़्ज़त के हकूक़ पूरा करने का अहतमाम करे और उसके बंदों के हकूक़ की अदायगी से भी गाफिल न रहे अल्लाह रबुल्ज़त का अरसाद है वसमाऊ व अनफिक खैरल अनफसकुम माल के हसूल और आमदनी में इजाफ़े के लिए इंसान मुख्तलिफ़राए ज़रात व तजारत सनात व हरफत व मुलाजमत वगैरह इख्तियार करता है और इस राह में पूरी तगोद करता है और इसी में अपना फ़ायदा व नफा समझता है कुरान की नज़र में इसमें कोई हरज नहीं बल्कि यह मतलूब है बशर्ते के इन कामों में शर् हदूद का पूरा पूरा पास व लिहाज रखा जाए लेकिन यही कमाई या माल के हसूल के लिए इख्तियार की जाने वाली कोई मसरूफियत बायस खैर नहीं बन सकती अगर उसकी वजह से इंसान अपने खालिक व मालिक की इबादत और उसके मुकर फ़रज़ के अंजामदेही सेफिल हो जाए दरअसल कुरान ये मिजाज बनाना चाहता है कि अकाम की तामील के लिए या शरीयत के मुकर्र फ़राज़ के अंजामदी के लिए जो वक्त मुतन किया गया है तमाम मसरूफिया को छोड़ते हुए उन्हें उसी वक्त अंजाम देना इसी में इंसान के लिए खैर है अगरचे बाहर इसमें अपने काम का नुकसान या माली खसारा नजर आए यह हकीकत इस आय से बखूबी आया होती है या आमनू यौमिल इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल एमिलजुमति ज़ालिकुम वज़रबाल लकुम इनकुम तुम तमुन ए ईमान वालो जब जुमा के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ़ दौड़ पड़ो और ख़रीदो फ़रोख छोड़ दो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर इस हकीक़त को जान लो अगर कुरान करीम का बौौर मुताला किया जाए और उसे समझने की कोशिश की जाए तो ये हकीकत मुनकशिफ होगी कि एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों आयात में यह वाज किया गया है कि इंसान की भलाई व कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल की मुखलसाना अत और बंदगान ख़ुदा की खिदमत में है अल्लाह ताली हम सब को क़ुरान करीम के इस अजीम पैगाम को समझने और इसे हरज जहाँ बनाने के लायक बना दे व आखरद हावाना अनहमदिल्ला